गाइस आज जैसे कि वुमेन्स डे, तो चलो हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर तुम में से किसी को भी अपने बचपन में वापस जाने का टाइम मिले और एक अपने आप को सलाह देने का मौका मिले तो क्या सलाह दोगे? कौन देना चाहेगा सलाह? मैं दूंगी। मैं खुद को ये सलाह देने चाहूंगी कि 12th के बाद अपने करियर को लेके थोड़ा सा सीरियस होके अपने सब्जेक्ट चूज करने चाहिए थे। उस टाइम पे होता ना, टीनेज में होता है तो घूमने फिरने के लिए कोई भी स्ट्रीम चूज कर ली। सेम मिस्टेक मैंने की, ठीक है, कॉलेज लाइफ के चक्कर में कुछ भी चूज कर लिया। क्योंकि मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सही डायरेक्शन नहीं पता होती कि हमें किस वे में जाना चाहिए, और गलत उसमें चले जाते हैं। हाँ, कोई और एम कुछ और होता है पर किसी और डायरेक्शन में किसी और प्रोफाइल पे चले जाते हैं, पर उनका वहाँ पे मन नहीं लगता। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी डेली लाइफ में कौन तुम्हें इंस्पिरेशन और मोटिवेट करता है? तुम्हारा इंस्पायर कौन है, मोटिवेशन कौन है? यार इंस्पिरेशन के लिए देखो, मेरे ऑफिस के कलीग्स हैं जो मेरे पास है, सोनिया मैडम, ठीक है, मेरे लिए भी तो इमाम ही है क्योंकि वो जिस तरह काम को हैंडल कर लेती है, इतने सारे काम वर्क होने के बाद भी वो सब कुछ मैनेज कर लेती है, अपने जूनियर से इतने अच्छे से रहती है। मुझे लगता है सिर्फ ऑफिस ही नहीं, इवन हमारे घर में भी हमारी मदर्स, ठीक है, उनसे भी होते हैं कि हाँ वो भी मल्टीटास्क करती है, वो भी मल्टीटास्क के साथ साथ बाहर की चीजों को भी इतने अच्छे से हैंडल करती है। इंस्पिरेशन तो हाँ, अगर देखा जाए तो इंस्पिरेशन ऑफिस से लेके घर में, यू आर मैरिड ऑल्सो, पर तुम अच्छे से मैनेज कर ही रही हो यार, सुबह ऑन टाइम आना फिर जाना, फिर और भी काम तुम्हें मैनेज करने को, घर का भी काम साथ में करना है, अपने हस्बैंड को भी देखना है, हर चीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो ये सारी चीज यार काफी इंस्पायर तो करती है। हम एक दूसरे को देख के इंस्पायर होते हैं कुछ ना कुछ चीजें, मोटिवेशन तो फिर हर औरत एक दूसरे की मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है। हाय, मायसेल्फ प्रज्ञा अग्रवाल। हेलो, आई एम हेमा। हेलो, माय नेम इज नेहा गंगवार। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज पर माय करंट लाइफ इट्स माय मदर इन लॉ, शी इज लिटरली वर्किंग हार्ड, वर्किंग भी है एंड घर को उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया हुआ है, आई एम रियली सरप्राइज। अ पार्ट ऑफ हर, मैंने अभी तक किसी को इतना हैंडल करते हुए नहीं देखा। एक टाइम पे सब होते हैं कि नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, बट उनको मैंने आज तक कभी भी ये नहीं देखा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, सब काम वो कर लेती हैं और परफेक्ट करती हैं। तो उनको देख के मुझे लगता है कि नहीं, आई एम वे बिहाइंड, मुझे बहुत कुछ आगे करना है। अभी मेरी लाइफ में सबसे मोटिवेशनल रहे हैं मेरे पापा, वो एक आर्मी ऑफिसर है, हमसे दूर रह के हमारे घर को जिस तरह से उन्होंने देखा, हमें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उन्हीं का सपोर्ट है आज तक, तो उन्हीं को ही अपने लाइफ में एक मोटिवेशनल रख के मैं भी अपनी लाइफ कुछ ऐसा करूँ कि कल को मेरे बच्चे भी मेरा नाम लें। My biggest inspiration, my mother, and she gave me everything from my education to all the facility. जो एक normal family अपने बच्चों को जो facility देती है, वही facility मेरी मम्मी ने मुझे दी है, और मेरी मम्मी ने कभी मुझे ऐसा feel होने नहीं दिया कि मेरे father नहीं है। So मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत बड़ी एक inspiration है। मैं मेरी मदर को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ कि वो कैसे चीज़ों को हैंडल करती हैं लाइफ में, उनके कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो उनको इतने स्मूथली हम लोग तक पहुँचने भी नहीं देती हैं, तो मेरे को वो चीज़ देख के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगता है, और मैं वही चीज़ देख के करती हूँ कि वो अगर कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ उनको देख के। यू आर आस्किंग कि बीइंग अ प्रज्ञा, मैं अपनी पास्ट प्रज्ञा को क्या एडवाइस दूंगी? मुझे कहीं ना कहीं बस इस चीज़ का रिग्रेट है कि मैंने, क्योंकि मैंने बहुत अर्ली स्टेज पर अपनी वर्किंग स्टार्ट करती थी, तो सिंस दैट टाइम टू टिल डेट मैंने अपने फ्रेंड्स को या फैमिली को बहुत कम टाइम दिया है। सो आई हैव दैट रिग्रेट कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बना पाई अपनी लाइफ में, मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स या फैमिली मैं मिस करती हूँ, मैं फैमिली को अभी भी टाइम नहीं दे पाती। हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, हमें पढ़ाई पे भी फोकस करना चाहिए बट उसके साथ हमें और एक्टिविटीज़ में भी घुसना चाहिए, हमें अपना इंजॉय भी करना चाहिए अपना टाइम अच्छे से, क्योंकि ये टाइम जो है वो दोबारा नहीं आता कभी, तो हमें डिसिप्लिन के साथ में और भी चीज़ें सीखनी चाहिए ताकि हम लोग लाइफ में कुछ मिस ना करें पीछे। वो दिन याद है मुझे जब हम लोगों ने अपने कंपनी में अकाउंट्स का एक सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया था, उसका नाम है SAP। जब हमने वो डेवलप किया था अपनी टीम के सपोर्ट से, हमें बहुत एरर फेस करने को मिला था, बहुत प्रॉब्लम्स आई थी उस पर, हमने काफ़ी टाइम लगाया था, और वो जब इम्प्लीमेंट हो गया था तो वो सब हमें ऐसा अचीव हुआ था कि हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर लिया, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इन 2023 मार्च मंथ एक अवार्ड मिला था मुझे विच इज़ टैगिंग मदर ऑफ वर्गो, तो वो बहुत बड़ा मोमेंट था। आई फील लिटरली मतलब एम्पावर्ड कि इतना, मैं इतनी एज की भी नहीं थी
इतने बड़े बड़े इतने सीनियर्स थे वहाँ पर सब मेरे साथ, बट जब उन्होंने किया तो दैट मोमेंट आई फील कि नहीं, जितना भी मैंने किया है मुझे अब उससे ज़्यादा ही करना है, आई कैन नॉट लुक बैक इन माई इंटायर लाइफ। मैं गर्ल्स को ये मैसेज देना चाहूँगी, अपने आप को पहचानो, किसी पर डिपेंड ना रहो, और आपको जो लाइफ में चाहिए वो आप अचीव कर सकते हैं आराम से, बस कंफर्ट जोन में ना रहो। बीइंग अ वूमेन, मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप दूसरी जो वूमेन हैं उनकी हेल्प करें, लेकिन किसी तीसरे पर्सन को बिना बताए कि वो किसी ऐसी प्रॉब्लम है एक्सप्लोर ना करें किसी को। किसी पे डिपेंड मत रहो, यू शुड टेक योर डिसीजंस। आपके बारे में कोई क्या सोच रहा है आप उसको मत सोचो, आप कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को क्रॉस करो। आपको अगर वो चीज़ ठीक लग रही है, आपको लगता है मैं मेरे को ये चीज़ करनी है, तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए। आई वॉन्टेड टू विश एवरी वुमेन टू सेलिब्रेट वुमेन्स डे एवरी डे। हमें हर दिन खुद में एम्पावर रहना चाहिए, खुद में सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए। सबके लिए हम करते हैं, खुद के लिए भी करें, हर दिन करें, हर रोज़ करें। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे।